नमस्कार, आप देख रहे हैं गीक न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। औधारिका शारदा पीठ और ज्योतिमर्त बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में रविवार को ज्योतेश्वर में निर्धन के बाद उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। जबलपुर सिविक सेंटर के बगलामुखी में शंकराचार्य के निर्धन की खबर पहुंचते ही शोक का माहौल बन गया। शंकराचार्य बगलामुखी मंदिर में अक्सर आया जाया करते थे। हाल ही में 2 सितंबर को उनका जन्मदिन यहीं बगलामुखी मंदिर में मनाया गया था। अचानक शंकराचार्य के निर्धन की सूचना से जबलपुर में उनके अनुयायी दुखी है। शंकराचार्य के निर्धन का समाचार सुनने के बाद बगलामुखी मंदिर से अनेक संत ज्योतेश्वर के लिए रवाना हो गए। सोमवार को नरसिंहपुर जिले के परमहंसी गंगा आश्रम उन्हें समाधि दी जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अभी ज्ञात हुआ फेसबुक के माध्यम से, हमारे जो छोटे स्वामी जी महाराज श्री, उन्होंने अभी थोड़ी 11 मिनट पहले उन्होंने फेसबुक के माध्यम से सूचना हमको प्राप्त हुई है। ये बड़ी ही दुखद की घड़ी। पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज श्री का 3:21 पर वैकुंठ लोक गबन हुए। ये अभी फेसबुक के माध्यम से छोटे स्वामी जी महाराज श्री के हमको ज्ञात हुआ। इस समाचार को सुनकर के हम वहाँ ज्योतेश्वर के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ जाकर के गुरु के दर्शन करेंगे। अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो जैसा भी होगा हम आपको। ये सनातन धर्म का एक सबसे बड़ी क्षति, मुख्य आचार्यों में हमारे पूज्य गुरुदेव दो पीठ के आचार्य थे, ज्योति सिंह द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगदु शंकराचार्य महाराज श्री ने जो हम पूरा जीवन धर्म के लिए लगाया, उन्होंने अपना सर्वस्व, ये तो आप भी सबको ज्ञात है कि उनका जीवन एक कांच की तरह है जिसमें आर पार दिखता है, ऐसा उन्होंने अपने जीवन की पारदर्शिता रखते हुए सारा जीवन सनातन धर्म के प्रति लगाया। और आज संपूर्ण भारत में, विश्व में बहुत बड़ी क्षति है जो कि ऐसे पूज्यपाद हमारे बीच में भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं रहे। पूज्यपाद अभी 3 माह पहले गुरुजी यहाँ पर जबलपुर आए थे, जब वहाँ बेंगलोर से लौटे हुए थे तब उस समय यहाँ पर आगमन हुआ था। यहाँ से फिर सीधे ज्योतेश्वर के लिए रवाना हो गए थे। उस दिन वहाँ गुरुजी का चिकित्सा चल रही थी और अभी स्वास्थ्य ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि, लेकिन अचानक ऐसा समाचार हमको प्राप्त हुआ। और जन्मदिन अभी मनाया गया, आप सभी लोगों को पता है कि हरितालिका के दिन पूज्यपाद गुरुजी महाराज श्री का जन्मदिन मनाया गया और सही भक्तों द्वारा उल्लास के साथ दर्शन भी हुए। उस समय भी गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन स्वास्थ्य महीने डेढ़ महीने से स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल प्रतिकूल चलता था, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी स्वास्थ्य ठीक था। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।